गुड इवनिंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आज का नोटिस लगभग सारे बच्चे को पता चल चुका है, और हालांकि कल ही इस बात कल जो हम वीडियो बनाए थे उसमें इस बात का हम जरूर चर्चा किए थे कि जो बोर्ड का स्थिति है में भी इस तरह का कंडीशन बोर्ड कर सकती है, ये फेरबदल संभव है। बोर्ड के द्वारा बच्चों का जो स्थिति है, जितना बच्चे मेल किए हैं, ट्वीट किए हैं, तो मे बी कि बच्चे और जिस तरह से लगातार लेट कर रहे थे हर चीज में, डेट फेल हो रहा था, जो भी अपडेट था उसमें, तो लग रहा था कि ये कंडीशन हो सकता है और रिजल्ट को दोबारा रिवाइज कर सकती है। इसका चर्चा हम कल के ही वीडियो में कर दिए थे और आज लगभग वही चीज देखने को मिला है। मेरा ये कहना है कि जो बच्चे सीरियसली साइको का तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो साइको की तैयारी में लगे रहे हैं, तो कुछ जहां प्रॉब्लम था कि जो क्वेश्चन में सुधार होना था, जो सुधार आपका नहीं हो पाया था, या जो भी प्रॉब्लम रह गया था पहले, निश्चित रूप से बच्चों का इसके बारे में लगातार मेल जा रहा था, ट्वीट जा रहा था, वो अपना परेशानी से बोर्ड या मंत्रालय को अवगत करा रहे थे। चूंकि इलेक्शन का टाइम है तो इसलिए बोर्ड को ऐसा लगा हो कि ये हो सकता है कि मेजर बच्चे इससे असंतुष्ट रह रहे हो, तो जरूर हमको एक बार अगर रिवाइज कर देते हैं इस तरह का, तो मैक्सिमम बच्चे संतुष्ट इससे हो पाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक जो इस तरह का बोर्ड फिर बदल किया, जबकि 16 तारीख का डेट फिक्स कर दिया गया था साइको के लिए, कितने बच्चों को परेशानी हुई। 2,04,000 रिजल्ट दिया गया था साइको के लिए CBT 2 का, उसमें मैक्सिमम बच्चे अपना टिकट बनवा चुके थे, सारे बच्चे को अब टिकट कैंसिल करवाना पड़ रहा है। आर्थिक क्षति तो निश्चित रूप से स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी क्षति वो हुई, और इसके बाद मेंटल हरासमेंट एक तरह से अलग हुआ कि बार बार अब एक असंतुष्टि बच्चों में आ गई है कि पता नहीं फिर कहीं हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे, या और मार्क्स तो नहीं घटा दिया जाएगा, या फिर मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या क्या चीज होना है। थोड़ा सा स्वाभाविक है कि मन में इस तरह की भावनाएं जरूर बच्चों में आती होंगी और इसके लेके बच्चे परेशान रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको लगता है होगा। और पार्ट बी में जो 1-2 नंबर से जो बच्चे फेल भी हो रहे थे, जिनका जेन्यून रीजन था, मार्क्स घटा दिया गया था, ऐसा भी कम्प्लेन था ही, तो हो सकता है कि उन बच्चों को दोबारा से लाभ हो जाए, और निश्चित रूप से कुछ मार्क्स बढ़ेगा ही, घटने का संभावना अब हमको कम दिखता है, और बोर्ड भी शायद ऐसा नहीं करना चाहेगी। इसलिए अब कम से कम 10-15 दिन से तो ऊपर हमको लगता है कि साइको का डेट निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। पहले तो रिवाइज रिजल्ट देगा, उसमें देखना है कि क्या करती है, और उसके बाद फिर साइको का डेट आपका कंफर्म करेगा। तो एक तरह से अगर इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलिएगा कि बोर्ड अगर ज्यादा समय ना ले इस प्रोसेस में, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है कि 10-15 दिन आपको प्रैक्टिस करने का अच्छे से मौका मिल जाएगा, क्योंकि कम से कम रिजल्ट में 1 महीना का 25 दिन का गैप तो ऐसे भी होना चाहिए था, जो कि बोर्ड नहीं दी, अचानक 16 तारीख आपको डेट दे दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत फेरबदल ज्यादा संभव है कि अगर ज्यादा डेट नहीं बढ़ा है तो थोड़ा सा आपको अधिक से अधिक संतुष्टि होगी। दूसरा चीज ये है कि साइको में आप कितना समय देंगे। मेरे ख्याल से क्लास वगैरह जो बच्चे पकड़े होंगे तो उनका क्लास लगभग समाप्त हो गया होगा, या 1-2 दिन में समाप्त ही हो जाएगा। मैं अब घर पर प्रैक्टिस, और अगर CBT मोड में प्रैक्टिस करना चाह रहे होंगे या करते होंगे, तो फिर वहां पर जो भी आपको टाइम देना पड़ रहा होगा, तो 2 से 3 घंटा 4 घंटा हमको लगता है कि साइको के लिए आपका सफिशियंट टाइम होगा आगे भी, जब तक आपका साइको हो नहीं जाता है। लेकिन और यही बच्चे आगे NTPC का फॉर्म डाले हैं, ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं, मेरा कहना यह है कि आप अपना समय अधिक से अधिक वेस्ट ना करके साइको का भी साथ में तैयारी करते रहें और NTPC पर भी आप पूरी तरह से लग जाएं। उसके लिए जो भी आपको पहले आप लगातार एग्जाम दिए ही हैं, अभी LP दिए होंगे, ग्रुप डी दिए होंगे, RPF दिए होंगे,
तो उससे आपको अच्छा खासा अनुभव भी मिला होगा कि कहाँ आपका कमी रह गया, जिसके कारण से यहाँ पर हो सकता है कि कुछ मार्क्स आपको कम आया हो, तो निश्चित रूप से उसको आप इस बीच में दूर करने का प्रयास करेंगे और डेली कोशिश करेंगे एनटीपीसी का आपस में भी दो चार पांच बच्चे का ग्रुप बना करके एक सेट अभी आप डेली बनाएंगे। और सेट बनाने का ये मतलब होना चाहिए कि जो भी सेट आप बनाते हैं, अगर डेढ़ घंटे का समय आप सेट बनाने में दे रहे हैं 100 क्वेश्चन में, तो निश्चित रूप से 50, 60, 70 क्वेश्चन आपका सही होगा, 25 से 30 क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा उसका डिस्कशन जरूर आप करें। इससे ये फायदा होना है कि अगर डिस्कशन करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उस तरह का क्वेश्चन जब अगले सेट में आपको मिलेगा तो वहां गलती की संभावनाएं बिल्कुल धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और आज आपका अगर 60 या 70 मार्क्स ला रहे हैं तो आगे 72, 73, 75 लगातार इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डिस्कशन नहीं करते हैं, आपस में डिबेट उसका नहीं करते हैं या सॉल्यूशन उसका अच्छे से नहीं करते हैं, खाली सेट बनाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको नजर नहीं आएगा। अगर 60 ही नंबर आ रहा होगा तो वही 58 से 62 के बीच में घूमते रहेगा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि एक सेट अभी से लेकर एग्जाम तक में आप बनाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना है। और दूसरा सवाल यह है कि सेट कौन सा हम बनाएं, तो निश्चित रूप से पहले अभी आपको चाहिए कि अभी ग्रुप डी का क्वेश्चन अच्छा खासा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका पूछा है, आरपीएफ से बहुत बेहतर पूछा है, उसके बाद एएलपी का भी सेट होगा, उसके बाद आपका एनटीपीसी का 2015 में जो एग्जाम हुआ था तो उसमें खास करके मैथ, रीजनिंग और साइंस को अच्छे से आप वहां पर देखेंगे। तो पहले ग्रुप डी का सेट से स्टार्ट करेंगे, फिर बीएससी है उसका पूरा का पूरा अगर सेट बना जाएंगे। प्लेटफॉर्म का भी अभी 31 सेट का एक वॉल्यूम 1 आया है, जस्ट आपको एक सप्ताह 10 दिन में दूसरा वॉल्यूम भी उसका नेक्स्ट 31 सेट का आ जाएगा, 10-15 दिन कर करके गैप करके नेक्स्ट वॉल्यूम आता चला जाएगा। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी एक प्रैक्टिस सेट भी आपका 4-5 दिन के अंदर में आ जाना है मार्केट में। तो पहले मेरा कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करें, डेली एक सेट ग्रुप डी का बनाएं, उसके बाद एएलपी का भी दोबारा से एक सेट डेली बनाएं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट भी बना सकते हैं, एनटीपीसी का भी बना सकते हैं, सेट का भी बिल्कुल कमी नहीं होगा और इसका फायदा 100% आपको मिलेगा, इसका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और ऐसा करना भी चाहिए। और इस बीच में आप देख लें कि जैसे आप मैथ रीजनिंग आपका स्कोरर पेपर है, 100 में से 60 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आपका आना है और ये ऐसा सेक्शन है आपका कि 60 में 50, 52, 55 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। आपका अंततः उद्देश्य होना चाहिए कि 100 में से 75 मार्क्स हम कैसे ला पाएं। अगर 75% मार्क्स आप ला पाते हैं, उतना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, तो आपका सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 तक आप बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, बिल्कुल आपको कोई तरह का चिंता नहीं रहेगा। लेकिन उतना स्कोर करने के लिए आप कम से कम 50 से 52 नंबर आप मैथ रीजनिंग मिला करके लाने का प्रयास करें। और जीएस सेक्शन में आप देखेंगे कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन में अप्रोक्स 15 क्वेश्चन आपका साइंस से वहां पर रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के ज्यादा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा। थोड़ा इस पर न्यूमेरिकल भी अच्छे से देख लेना है, आप देख चुके हैं अभी कि ग्रुप डी और एएलपी में न्यूमेरिकल का कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो 15 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहेगा और बाकी 25 क्वेश्चन में अप्रोक्स 10 क्वेश्चन सिर्फ आपका करंट अफेयर सेक्शन से रह सकता है, इसलिए रेगुलर करंट अफेयर्स आप देखने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद आपका फिर बाकी 15 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल जीएस वगैरह वगैरह सारा कुछ आपका रहना है। तो सब्जेक्ट के अगर इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखा जाए तो मैथ, रीजनिंग और साइंस पर थोड़ा सा ज्यादा ही आपको जोर लगाना है, उसके बाद आर्ट सेक्शन को भी इग्नोर नहीं करना है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि रीजनिंग में भी आपका एनालिटिकल रीजनिंग में जहां आपको ज्यादा परेशानी हुआ है उस पर खास करके आप फोकस करेंगे, जिस क्वेश्चन में आप सेट बनाने के दरमियान भी आप फंसेंगे उसको आप पेंसिल से टिक आउट कर लें, बाद में भी उसका प्रैक्टिस करें और उसका बिल्कुल कंसेप्ट भी गेन करने का प्रयास करें। तीन छोटी और मैथ में खास करके हमारा इंस्ट्रक्शन ये होगा कि जिस तरह से 2015 में सीबीटी एग्जाम जो इसका लिया गया था ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का, तो उसमें देखा गया था कि मैथ में 40% अप्रॉक्स क्वेश्चन वहां पे एडवांस और डीआई मिला करके पूछा गया था। एडवांस में ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा आपका स्टैटिक्स से 3-4-5 क्वेश्चन लगभग हर सीटिंग में पूछा गया। उसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको आप माध्य, माध्यिका, बहुलक और विचलन बोलते हैं, उसके बाद डीआई से भी 3 क्वेश्चन लगभग था। तो इन सारे सेक्शन को भी आपको अच्छे से देखना है क्योंकि एडवांस मैथ ऐसा सेक्शन है और डीआई कि ये आपको भीड़ से अलग कर सकता है, क्योंकि इस सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है। यहाँ 2-4-5 क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा बना पाते हैं तो निश्चित रूप से वो 2-4-5 क्वेश्चन आपके आपके कट ऑफ को बिल्कुल भी प्रभावित करेगा ही करेगा।
क्योंकि एक क्वेश्चन का जब मार्जिन होगा कट ऑफ के वक्त, तो वहां 3,000 से 5,000 बच्चे रैंक में उथल पुथल हो जाएगा, ऊपर से नीचे हो जाएंगे। 5 नंबर तो बहुत मायने रखता है। तो इन सारी छोटी छोटी बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो हमको लगता है कि अभी से लेकर के आपका जून से लेकर सितंबर के बीच में दिया है कि CBT 1 का एग्जाम होगा, तो आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस NTPC में आपका रह सकता है अगर इस तरह से ग्रेजुअली आप करते हैं। तो ये तो हुआ कि वैसे बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी अभी लगातार एग्जाम दिए होंगे, जिनका तैयारी भी ठीक ठाक हो गया होगा प्रैक्टिस के लिए, और नए बच्चे निश्चित रूप से वो अपना खुद को एसेस करें कि किस सेक्शन में हमको ज्यादा प्रॉब्लम रह जाता है, तो उसका बेसिक बुक सबसे भी स्टडी करें। उसके लिए एक अलग से हम दूसरे दिन वीडियो जब हम डिटेल बनाएंगे कि NTPC की तैयारी हमको कैसे करना चाहिए एग्जाम तक में, तो उसमें दोनों तरह के बच्चों को ध्यान में रख करके स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जितनी भी बातें बोले हैं तो इस पर निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। और ALP के वैसे बच्चे जिनको साइको देना है, तो जो भी बात उनके लिए भी हम बोले हैं, आप साइको का तैयारी करते रहिए, 3 से 4 घंटा समय दीजिए, बहुत परेशान आप उसके लिए नहीं रहिए, मेन फोकस अभी आप NTPC करिए, इसका फायदा आगे चल करके आपको मिलना है और वैसे आप करने का प्रयास करिए। और निश्चित रूप से आप जो भी आप मेहनत करेंगे, चूंकि वैकेंसी का गोल्डन पीरियड अभी आपका है, इतनी इतनी वैकेंसी है, इसको अगर आप अभी रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, और नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो आगे आने वाले दिन में हो सकता है थोड़ा सा और आपको परेशानी आपका बढ़ जाए। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर पुनः हम इस पर बनाएंगे जिसमें और फिर आगे चर्चा होगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।